character sketch of Cranley. Stephen's best friend at the university, Cranley also act as a kind of non-religious confessor for Stephen. In long, late night talks, Stephen calls Cranley everything. He tells Cranley everything, just as he used to tell the priest everything during his days of religious fervor. ठीक है, वो जो है क्रैनली को अपने बारे में सब कुछ बताता है, जैसे उसने जो है प्रीस्ट को सब कुछ बता दिया था ड्यूरिंग हिज डेज ऑफ रिलीजियस फर्वर. बट क्रैनली इज अ गुड फ्रेंड टू स्टीफन. ही डज नॉट अंडरस्टैंड स्टीफन्स नीड फॉर एब्सोल्यूट फ्रीडम. ऑल्दो वो उसका गुड फ्रेंड था, लेकिन वो स्टीफन की एब्सोल्यूट फ्रीडम को कभी भी जान नहीं सका. इंडीड टू क्रैनली लिविंग बिहाइंड ऑल द टैपिंग्स ऑफ सोसाइटी, तो उसके लिए कि ये ट्रैपिंग्स ऑफ सोसाइटी को छोड़ देना वुड बी टेरिबली लॉनली. तो वो कहता है कि अगर हम सोसाइटी की ये जो सोसाइटी की जो टैपिंग्स हैं, यानी कि अपनी सोसाइटी को छोड़ देंगे, तो हम तो बिल्कुल लॉनली हो जाएंगे. इट इज दिस डिफरेंस दैट सेपरेट्स द ट्रू आर्टिस्ट. ये डिफरेंस था जो कि एक ट्रू आर्टिस्ट को सेपरेट करता है स्टीफन फ्रॉम द आर्टिस्ट फ्रेंड क्रैनली. इन दैट सेंस क्रैनली ये जो है सेपरेट करता है ट्रू आर्टिस्ट यानी कि स्टीफन को, स्टीफन जो कि ट्रू आर्टिस्ट था, फ्रॉम आर्टिस्ट फ्रेंड क्रैनली. क्रैनली भी एक आर्टिस्ट फ्रेंड था, लेकिन एक आर्टिस्ट का जो फ्रेंड था क्रैनली, लेकिन उसको स्टीफन की यही बात कि जो क्रैनली था वो सोसाइटी की ट्रेडिशंस के साथ जीना चाहता था. उसके ख्याल से अगर हम अपने मुल्क को छोड़ देंगे, अगर हम अपनी फैमिली को छोड़ देंगे, अपने रिलीजन को छोड़ देंगे, तो हम तो लॉनली हो जाएंगे. लेकिन जो है वो स्टीफन की ये जो फ्रीडम है, इंडिविजुअल फ्रीडम, उसको नहीं समझ पाता था. इन दैट सेंस क्रैनली रिप्रेजेंट्स द नॉन जीनियस, अ यंग मैन हु इज नॉट कॉल्ड टू अ ग्रेटनेस एज स्टीफन एम. और इस सेंस में क्रैनली जो रिप्रेजेंट करता है एक नॉन जीनियस, एक यंग मैन को, जो कि हु इज नॉट कॉल्ड टू ग्रेटनेस एज स्टीफन, जिसके अंदर स्टीफन जैसी तो ग्रेटनेस नहीं थी. And who therefore does not have to make the same sacrifices, or जो same sacrifices जैसे कि Stephen ने किए थे वैसे नहीं कर सकता था.